हेलो एवरीवन, आप सबका बियॉन्ड टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है सोलमेट्स के बारे में। सोलमेट्स के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो लड़का मेरे जीवन में आया है क्या वो मेरा सोलमेट है, ये जो लड़की मुझे मिली है क्या वो मेरी सोलमेट है। अब सोलमेट होता क्या है भैया, तो ये हमको जानना है इस वीडियो के द्वारे। अब सोलमेट वो होता है जो हमारे पिछले जन्म में हमारा जो उसके साथ कनेक्शन होता है, जो हमारा नाता होता है, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ वजह से टूट जाता है। वो जब टूट जाता है और वो कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं हो पाता है वो लास्ट जन्म में, तो वो वाले रिश्ते हमारे ये जन्म में, प्रेजेंट जन्म में वापस आते हैं। तो जब वापस आते हैं वो हमारे रिश्ते, तब हमें काफ़ी बार कुछ ना कुछ इंडिकेट होता है, जैसे हमें बटरफ्लाइज दिखने लगते हैं, या तो हमें काफ़ी चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, जैसे बर्ड्स की चॉपिंग, या कोई घंटियाँ सुनाई देती है, या अचानक से फॉर नो रीज़न हमारे लाइफ में कोई आ जाता है। हम कहीं ऐसे ही गए हुए हैं, अचानक से हमारा कोई कनेक्ट हो जाता है, वो हमसे स्माइल करता है और वो हमसे डेट करने के लिए मजबूर करता है, या हमें हमसे अचानक से बातें करना शुरू कर देता है और हमारा वो रिलेशन जैसे कि नेचुरल रिलेशन हो जाता है, जैसे कि बहुत एफर्टलेसली वो रिलेशन हमारा बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आपका एक मेड के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ब्लड रिलेशन विथ हर। इट कैन बी कि आपका नेबर के साथ आपका बहन या भाई जैसा रिलेशन हो जाए। जब आपको लगे कि आपका रिलेशन ऐसे कनेक्ट हो रहा है और आपको लग रहा है ये जैसे मेरी सोल सिस्टर है, ये मेरा सोल ब्रदर है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास्ट लाइफ से आती हैं और इस लाइफ में वो चीज़ को कंप्लीट करने आती है। तो उसका ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट रिलेशंस में शादी में कन्वर्ट हो या वो परमानेंट हो। इवन अगर वो छोटे समय तक भी है, वो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर रिलेशन रह सकता है। तो जब आपके साथ ये सब हो रहा है, नेचुरली सब हो रहा है, तब आप समझ जाओ कि ये जो रिश्ता है वो आपका सोलमेट रिलेशन है। अगर आपको और कोई क्वेरी हो या कोई भी सवाल पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।